भिवानी में हरियाणा सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने शहीद मदनलाल ढींगरा स्मारक के निकट नेहरू पार्क में सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनके साथ वायदा खिलाफी की, जिसके चलते आज वे सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर के कर्मचारी जींद में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ विशाल कर्मचारी रैली करेंगे। वहीं प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारी महासंघ के जिला महासचिव जगरूप सिंह ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को चुनावों से पूर्व वायदा किया था कि सत्ता में आने पर उनको पंजाब में समान वेतन दिया जाएगा, साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, पर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। और यही नहीं, सरकार के मुखिया गैर संवैधानिक बयान देकर कर्मचारियों की मांगों से पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं सुखदर्शन सर्व कर्मचारी संघ गाजीलास्ती हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है 11 दिसंबर को सर्व कर्मचारी संघ आक्रोश रैली जींद में करने जा रहा है। लगातार कर्मचारियों की मांग और मुद्दों को लेकर सरकार से आंदोलन में सर्व कर्मचारी संघ बार बार बातचीत होती है मुख्यमंत्री के साथ भी, लेकिन सरकार कोई भी कर्मचारियों की मांग और मुद्दों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, लागू नहीं कर रही। सरकार ने जो सर्व कर्मचारी संघ के घोषणा मतलब सर्व कर्मचारी संघ के साथ बातचीत की थी सरकार ने, आगे हम कच्चे कर्मचारी को पक्का कर देंगे, पंजाब के बराबर वेतनमान लागू कर देंगे और जो जितने भी जो सरकारी भाग में खाली पड़े पद हैं उनको नियमित रूप से भर्ती करेंगे। ये सरकार ने चुनाव से पहले भी वादे किए थे और सर्व कर्मचारी संघ ने आंदोलन में जो बातचीत हुई उसमें भी सरकार को बताया कि आपने अपने घोषणा पत्र में बातें रखी थी कि जब भी हमारी सरकार बन जाएगी तो कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे, पंजाब के बराबर वेतनमान लागू करेंगे और जितने भी मतलब खाली पड़े पद उनमें नियमित रूप से भर्ती करेंगे। लेकिन आज सरकार अपने वादों से मुकर रही है और इसी बात को लेकर अभी पीछे सरकार से बातचीत हुई थी, आगे हम जल्दी इन मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन सरकार ने एक भी मांग को पूरा नहीं किया। भिवानी से कैमरामैन देवेंद्र सांगवान के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट, आजाद टीवी न्यूज़।